के सोचो अल्लाह का सी इमाम हुसैन भी शहीद करने वाला कौन सी कलमा नहीं पढ़ता सी पगड़ी नहीं पाता सी आज लोग कहना कि देखा जी वो भी तो कलमा पढ़ता है उन्होंने इमरान खान से कलमा भी नहीं आता सरदारी ने बिस्मिल्लाह पढ़ी कहना बिस्मिल्लाह रहीम नवाज शरीफ कलमा पढ़ते ला इलाहा मुहम्मद रसूल अल्लाह पता नहीं की पढ़ता है ये उनकी वीडियो है भाई नवाज शरीफ कहना मिर्जा मेरे भैन भाई है खुदा ने कहना भगवान है मुमताज कादरी ने नवाज शरीफ फांसी दी थी खत्म ने बहुत नवाज शरीफ गद्दारी की है सरदारी ने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी इमरान खान खातम नबी पढ़ना नहीं आता कलमा पढ़े इमरान खान ने कश्मीर से जल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अली आज भी आज का बयान से कल का बयान से इमरान का उन्हें पाकिस्तान की गल करते उन्हें कहा भी कैद आजम ने नारा लगाया था पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह आज कल की गल है कल होने रस्ते में सुन रहा है और मैं दोस्तों ने आगे मैं देखो अद्धा कलमा ही नहीं आता पूरे दिन बाद की गल है साढ़े हुक्मरान है ए उते साढ़े बहुत वजीर बड़े बैठे वजीर आजम बने बैठे दुआए कनूज जिन्होंने नहीं आती दरूद जिन्होंने नहीं आता और यार बच्चों भी खड़ा करके तुम खातम नबीन पढ़ाओ वो भी पढ़ लेंगे तो पाकिस्तान ने वजीर आजम हलफ लेने या सदर पढ़वावे खातम नबीन खातम नबीन खातम नबीन खातम नबीन उस कमीने की जबान उत्ते लफ्ज भी लिया है दसो खत्म नबूत मरण वाला एक अदार है पता सारी कौम नू है सारा सारे नू पता है कि केड़ा चोर है कहते भी हैं सारे यही मक्के दे सरदार हजूर कहते सन मक्के दे सरदार हजूर सादिक भी मनते सन सच्चा भी मनते सन हजूर अमीन भी मनते सन अमानतदार भी समझते सन हजूर हर चीज मनते सन हजूर की हर चीज के कायल सन अबू जहल भी कायल से सारे कायल सन लेकिन हजूर की हुकूमत भी मनते सन मक्के दे सरदार हर चीज हजूर की मनते सन सादिक भी अमीन भी लेकिन हजूर की हुकूमत नहीं मनते सन अज भी उही है अज भी कहने मौलवी साहब तुम हो शरीफ लोग असं मनते हैं तुम सच्चे लोग हो असं मनते हैं लता कल तुम हो ठीक लेकिन गल करिए नून लीग की हुकूमत तो फिर नून लीग की होनी चाहिए हुकूमत तो फिर सरदारी की होनी फिर वो तो पीटीआई की होनी थोड़ा दिल होवे ना तई फिर इमरान में लिया फिर चाहे नवाज में लिया सरदारी में लिया एक गल जरूर याद रखना कि आखिरकार थक हार के आना सारे मुहम्मद अरबी के दरवाजे पर ही बहना है और कल दे सावन का पता नहीं असि अज तुम मोमिनाना मशवरा देने आज ले इनकी पनाह फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया आ जाओ हजूर के दीन की तरफ असि तुम हजूर के दीन का पैगाम देना है अपनी जात अल नहीं छना है साड़ी कोई हैसीयत नहीं साड़ी कोई औकात भी नहीं ना असि तुम कम आना है ना तुझे सानू कम आना है कम रसूलुल्लाह आना है इतने भी उन्होंने कह रहे असि मौलवी तुम्हारे नाल खलोते जाने सानू तो एम एन ए एम पी ए थाने कचहरी च छुड़वा लेने ये साढ़े थाने कचहरी के मसायल हल कर देन ये सानू थाने चू जेल चू छुड़वा लेने असि तुम्हारे नाल खलो जाइए तो फिर सानू कौन छुड़वाएगा कहने एवं कह रहे ना लाहौर तो वजीराबाद तक परचे हुए साढ़े उधर 150 तो भी ज्यादा शाह साहब भी आप भी जेल ये देखो ये ऐसा ही बैठे तो इस उम्र मैं तो शाह साहब को मिलता मैं रस्ते दोस्तों में मैं मुंह दे नहीं मैं वैसे उन्होंने कह रहा मैं कहो शाह साहब को मिले करो ए हो जाए सैयद हो जाए कद काट भी है हाथ भी है सोने भी है पैर भी दे रहे हम जो शाह साहब को हाथ कड़ी लगी हो लोग कभी देखा है सैयद दादे को हाथ कड़ी लगी हुई है मैं वही लोग कूफे खलो के इमाम जैनुल आबिदीन तो भी गल कर रहे सन जब आप इमाम जैनुल आबिदीन हाथ कड़ियां लगी हुई सन तो लोग कह रहे सन देखा है इमाम जैनुल आबिदीन को हाथ कड़ियां लगी हुई है ये क्या कर सकते हैं ये या है गल भी कर रहे सन नस्ल उन्हें भी चल रही है नस्ल इमाम जैनुल आबिदीन की भी चल रही है साड़ी खुशकिस्मती है कि ऐसे इमाम जैनुल आबिदीन अली लैन खड़े हैं तो बदकिस्मत है वो जेडे दीनदारों से हंसते हैं इमाम मूसा कासिम के बारे में पढ़िया आप एडे वे सैयदादे एडे वे इबादत गुजार एडे वे आलम दीन जड़ा आपका हुक्मरान सी हारून रशीद हजूर के खानदान का अब्बासी खानदान का आप जेल बंद करवाया कई बार इमाम मूसा कासिम रजी अल्लाह तआला आप जेल शहीद होए पता है तुम इमाम मूसा कासिम कालीन के अंदर बंद करके दबा के शहीद किया गया एडे वे इमाम होवे दीन की खातिर हक की खातिर हारून रशीद कलमा पढ़ने वाला होवे अब्बासी खानदान का होवे इमाम मूसा कासिम नजर नहीं आए तो अज लोगों को असि नजर आवे बाबा जी फरमाते सामना ये सी टी सी यजीद नु इमाम हुसैन नजर नहीं आए ते बाबा जी फरमाते सन ए भी हुक्मरान जिन्हें इमाम हुसैन का गुलाम खादिम हुसैन